थाना पचोकरा के गांव मोतीगढ़ी में जलभराव से जीवन हो रहा है अस्त व्यस्त। वहीं जलभराव होने के कारण कई बच्चे और वृद्ध वहां से निकलते हुए पानी में गिर जाते हैं। वहीं विगत दिन पूर्व एक महिला भी पानी में गिर गई, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। वहीं काफी दिनों से भरे पानी से संक्रमण रोग भी फैल सकता है, लेकिन प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। वहीं क्षेत्रीय लोगों द्वारा जब प्रशासन को अवगत कराया गया तो तहसील से भेजे गए लेखपाल सीलिन ने 10,000 रुपए की मांग की। टुंडला से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। नेकपाल क्या कह रहे थे तुमसे? जो नेकपाल बारे में जो कह रहे कि नेकपाल आए, उन्होंने पहले हम पे पैसा मांगे 10,000 रुपया। 10,000 रुपया? हाँ, तो 10,000 रुपया दो में चूरी कर जाऊंगो। अच्छा। माँ के न करवाऊंगो, हम पे पैसा अपना ही मन नहीं कर दे तो वे न करवाए गए। दोबारा में आए तो बोलेगा अब 10,000 रुपया दे दू तो मैं सूदी कर जाऊंगो। तो हम पे बहु ना पैसा, गरीब आदमी बालक नहीं बवाई बारू करवाए तो पेट भरे तो का करे। अब हम पे पैसा ना ही मन नहीं कर दे तो अब कोई सुनवाई ना कर। लेखपाल पैसा मांगते हैं। नाम क्या है? शैलेंद्र।